फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गर्ल्स ओनली। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो है फॉलिकुलर स्टडी। जी हाँ, अगर आप भी इनफर्टिलिटी उसको फेस कर रहे होंगे, आपको भी कंसीव नहीं हो रहा होगा, तो हो सकता है कभी ना कभी आपकी डॉक्टर भी आपको फॉलिकुलर स्टडी कराने को कहें। तो मैं उसी पे बात करने जा रही हूँ कि फॉलिकुलर स्टडी क्या होती है, क्यों किया जाता है और उसकी जो रिपोर्ट होती है उसमें क्या देखा जाता है और उससे हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं या फिर हमारा क्या नुकसान होता है। तो उन्हीं सब बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन यहाँ पे करने जा रही हूँ। और क्या फॉलिकुलर स्टडी में पेन होता है या नहीं होता है, कैसे अल्ट्रासाउंड होता है, वो सारी डिटेल। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ वीडियो। फॉलिकुलर स्टडी देखिए ये तब कराया जाता है जब आप इनफर्टिलिटी के लिए अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और वो 2-3 महीने को आपकी मेडिसिन दे के देख चुकी रहती हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता है। तो अंत में वो आपसे कहती हैं कि आप एक बार अपना फॉलिकुलर स्टडी करा लीजिए। वो ये देखना चाहती हैं कि क्या आपके एक बन रहे हैं, वो अच्छे से ग्रो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और क्या जो आपकी जो बॉडी में लेफ्ट और राइट दो साइड ट्यूब होती है वो उसमें ये भी देखा जाता है कि जो एक बन रहे हैं वो किस साइड बन रहे हैं, लेफ्ट साइड या राइट साइड किस साइड बन रहे हैं, और वो सही टाइम पे रप्चर हो रहे हैं कि नहीं रप्चर हो रहे हैं, और एक एंडोमेट्रियोसिस लाइन होती है वो भी उसमें पता चल जाती है कि वो सही है या नहीं सही है। तो इतनी सारी चीज़ें देखने के लिए आपका अंत में फॉलिकुलर स्टडी कराया जाता है। ये थोड़ा सा बहुत ही हेक्टिक टेस्ट होता है, बहुत ही मेंटल मतलब कि दिमाग को डिस्टर्ब करने वाला टेस्ट होता है। बट हाँ, इस टेस्ट में पेन बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप ये डर रहे हैं कि हमें अगर आपके डॉक्टर ने आपको फॉलिकुलर कराने के लिए कह दिया है और आप डर रहे हैं कि इसमें पेन होता है, तो पेन बिल्कुल नहीं होता है। बस हाँ, थोड़ी सी मेंटली हैरेसमेंट आपकी होती है, थोड़ा सा हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मैंने आपको जैसा बता दिया कि फॉलिकुलर स्टडी किया क्यों जाता है, आपके एक बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, किस ट्यूब में बन रहे हैं, राइट बन रहे हैं लेफ्ट बन रहे हैं, कितने एक बन रहे हैं, वो टाइम से रप्चर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उनकी ग्रोथ जो है वो सही हो रही है या नहीं हो रही है, और जो एंडोमेट्रियोसिस लाइन होती है वो सही है या नहीं सही है। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए आपकी स्टडी कराई जाती है, और ये सब चीज़ एक लेडीज़ को कंसीव करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। बहुत लोग को अपना ओल्यूशन डे नहीं पता होता है, उन्हें कब रिलेशन बनाना है कब नहीं बनाना है ये पता नहीं होता है, तो इसलिए भी फॉलिकुलर स्टडी हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। क्योंकि जिस दिन हमारे एक रप्चर होंगे वो उसमें आपको साफ साफ अच्छे से पता चल जाएगा और आप उस दिन अपना ट्राई कर सकते हैं। तो हो सकता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सिर्फ आपको अपना ओल्यूशन डे ना पता होना यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, तो वो फॉलिकुलर स्टडी से सॉल्व हो जाती है। ओल्यूशन किट भी आती है मार्केट में, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं, बट फॉलिकुलर स्टडी जितना सही ओल्यूशन किट भी नहीं बताता है। तो फॉलिकुलर स्टडी कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी देता है हमें हेल्प करने में, कंसीव करने में, बट जो रही कि हाँ उस क्या हमारे लिए हानिकारक होता है, तो हानिकारक ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस जो अगर हम फर्स्ट मंथ सिर्फ एक महीने में ही करा रहे हैं तो उतना हमें नहीं पता चलता है, बट जब हमें कई महीने लगातार कराने पड़ते हैं, फर्स्ट मंथ कराया फिर एक महीना छोड़ के, या सेकेंड मंथ फिर हम वही फॉलिकुलर करा रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा हम मतलब कि दिमागी रूप से थोड़ा सा हमें टेंशन होने लगता है, और जो मनी का प्रॉब्लम अगर किसी को है तो वो मनी की प्रॉब्लम आती है, बाकी और फॉलिकुलर स्टडी में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। बस जो हमारा ही मेंटल मतलब डिस्टर्बेंस होता है बस वही होता है, बाकी और कोई ऐसी हमारी बॉडी पे कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी हेल्थ इशू नहीं आती है फॉलिकुलर स्टडी कराने में। तो और फॉलिकुलर स्टडी होती कैसी है, तो नॉर्मली ये एक अल्ट्रासाउंड होता है, जैसे आप एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड भी होता है और ये TVS के जरिए भी होता है, बट आजकल मुझे लगता है कि एब्डोमेन वाला जो है वो नहीं होता है कहीं पे। जो सबसे ज़्यादा एग्जैक्ट एक्यूरेट रिजल्ट आता है वो TVS के जरिए ही आता है। तो ज़्यादातर हमारी जो डॉक्टर रहती हैं वो हमें TVS कराने की ही सलाह देती हैं, और मुझे जहाँ तक लगता है कि जो फॉलिकुलर स्टडी होती है अब वो TVS के जरिए ही होती है। तो जैसे TVS अल्ट्रासाउंड अगर आपने कभी कराया होगा तो उसी तरह होता है, और इसमें टाइम कितना लगता है, तो मुश्किल से 1 मिनट टाइम लगता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सबसे ज़्यादा बस हाँ, इस टेस्ट को कराने में बुरा यही है कि आपको डॉक्टर जब भी बुलाएंगी आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके जो पीरियड है उसके 3rd-4th दिन से ही आपको बुलाना शुरू करती हैं, और जब तक आपके एक रप्चर नहीं हो जाते हैं तब तक वो आपको बुलाती रहती हैं। हो सकता है बहुत से डॉक्टर लगातार बुलाएं, या फिर एक एक दिन छोड़ के गैप करके भी बुलाती हैं, 2 दिन गैप करके बुलाती हैं,
तो यही बस इसमें प्रॉब्लम सबसे मेन जो मुझे लगी, यही सबसे मेन और बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती थी कि डेली आपको क्लिनिक पे जो भी मतलब कि डायग्नोस्टिक सेंटर है वहाँ पे डेली जाना पड़ रहा है, टेस्ट कराना पड़ रहा है, वहाँ से आना पड़ रहा है, तो यही सबसे मेन और बड़ी प्रॉब्लम लगती है। बाकी और इस टेस्ट को कराने में कोई भी पेन उन कुछ भी नहीं होता है, होता ये TVS अल्ट्रासाउंड की तरह ही है और इसको होने में मात्र 1 मिनट का समय लगता है। बाकी इसकी रिपोर्ट जो है वो आपको डॉक्टर उसी समय आपको अपने वो कंप्यूटर पे देखती हैं कि आपके मतलब क्या दिखा रहा है, अरे ग्रोथ दिखा रही है एक की नहीं दिखा रही है, किस साइड एग निकल रहे हैं मतलब राइट साइड या लेफ्ट साइड, वो उसी समय आपकी फ़ाइल पे मेंशन करके तुरंत की तुरंत आपको रिपोर्ट भी देती रहती हैं। तो चलिए मैं आपको अपनी फॉलिकुलर स्टडी रिपोर्ट दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये है मेरी कुछ फॉलिकुलर स्टडी और ये कब हुआ है, ये 2021 में 2/10/2021 में हुआ है ये। और इसको और दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, फर्स्ट डे जो मैं गई थी वो मैं गई थी 11 तारीख को, जो मेरा डेट था मतलब मैं जिस दिन गई थी अपनी पीरियड के वो मैं गई थी 11वें दिन पे। तो यहाँ पे मुझे लगता है मेरा थोड़ा सा लेट ये चल रहा था, बट मेरी डॉक्टर ने मुझे इतने दिन पे ही कहा था तो मैं इतने दिन पे ही गई थी। और यहाँ पे देखिए, जो लेफ्ट राइट साइड की ओवरी है उसमें कितने हैं, 4-5 मतलब कि फॉलिकुलर बन रहे थे। और यहाँ पे फॉलिकुलर के साइज़ दिए हुए हैं कि कितने mm तक बढ़ रहे हैं। बाकी जो लेफ़्ट ओवरी थी वहाँ पे 3-4 फॉलिकुलर ही बन रहे थे और उसकी साइज़ कुछ इस तरह थी। बाकी ये इंडोमेट्रियोसिस लाइन है, 6.2 mm ये है। ये धीरे धीरे जैसे जैसे नेक्स्ट डे आप कराएंगे तो वो बढ़ती जाती है। फिर मुझे 11 तारीख को बुलाया गया था, फिर नेक्स्ट डे ही मुझे बुलाया गया 12 तारीख को। तो यहाँ पे ये देखिए, 12 तारीख को ये राइट साइड उतने ही फॉलिकुलर सेम बने, कुछ भी ग्रोथ नहीं हुई थी, बट हाँ साइज़ में थोड़ा साइज़, ये साइज़ भी आपकी ये जो साइज़ है फॉलिकुलर साइज़ है ये बढ़ती जाती है, तभी एक दिन जाके ये फिर रप्चर होती है। तो यहाँ से कुछ ये बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ी थी, बट कुछ ये 12/13 थी तो यहाँ पे 13/14 हो गया था। बाकी लेफ्ट साइड तो मतलब कि कुछ भी नहीं हुआ था मेरी, ना तो फॉलिकुलर ही कोई बढ़े थे और ना ही उसके साइज़ कुछ बढ़े थे। एंडोमी यहाँ पे 6.5 कितना हो चुका था। और फिर मुझे 12 तारीख से 13 को गैप करके फिर 14 तारीख को बुलाया गया था। फिर यहाँ पे वही मेरा मतलब कि 1-1 mm मतलब बढ़ रहा था, ज़्यादा नहीं ग्रोथ हो रही थी बट 1-1 बढ़ रहा था। और लेफ्ट साइड तो मेरी सेम के सेम ही थी। और फिर ने मुझे नेक्स्ट डे ही बुलाया गया, गैप नहीं था 14 के बाद, सीधे मुझे 15 को फिर बुलाया गया। और यहाँ पे जो फॉलिकुलर थे ये भी नहीं बढ़े थे, ये मेरे सेम के सेम थे और सिर्फ इसकी साइज़ में जो 1-1 mm का जो मतलब कि बदल रहा था बस वही था, बाकी लेफ्ट साइड तो वो भी नहीं था। और इंडोमेट्रियोसिस यहाँ पे लाइनिंग जो थी वो 7 कितनी हो चुकी थी, बट ये भी शायद थोड़ी सी कम थी मेरी। एंड 15 को बुलाया गया, फिर एक दिन छोड़ा गया था 16 को, और फिर मुझे 17 को बुलाया गया, एंड फिर नेक्स्ट डे ही मुझे 18 को बुलाया गया था। एंड ये मेरे 17 डेज पे, यही जो आपको अपना ओल्यूशन नहीं पता होता है ना, तो यही होता है, ये किसी भी दिन हो सकता है, किसी का 15 डेज पे ही हो सकता है, किसी का 14 डेज पे, मेरा ये जो था ये 17 डेज पे हुआ था। और यहाँ पे इन्होंने लिख दिया था कि जो एग है वो रप्चर हो चुका है और 7.6 mm ही मेरी जो लाइनिंग थी वो थी, जो कि शायद थोड़ी सी कम थी। तो यही देखिए, रिपोर्ट ऐसे ही मुझे मिली हुई थी, जबकि इस रिपोर्ट के बाद हाँ मेरा तुरंत कंसीव नहीं हुआ था, बहुत लोग को नहीं होता है, लेकिन फिर मैंने बाद में फिर मुझे नेक्स्ट मंथ फिर फॉलिकुलर कराने के लिए कहा गया था, लेकिन मैंने नहीं कराया था। तो ये मैं आपको सिर्फ अपनी रिपोर्ट दिखा रही हूँ कि ऐसे ही होता है, ऐसे ही हो सकता है आपको या तो नेक्स्ट डे ही बुला लिया जाए या फिर 1-1 दिन गैप करके बुलाया जाए, और ऐसे ही आपकी फॉलिकुलर साइज़ और कितने फॉलिकुलर बन रहे हैं वो सब देखा जाता है और फिर किस दिन वो रप्चर हो रहे हैं वो देखा जाता है। फ्रेंड्स, फॉलिकुलर स्टडी यही होती है, यही देखने के लिए कि आपके जो फॉलिकुलर यानी कि एग है वो कितने बन रहे हैं और किस साइड बन रहे हैं, लेफ्ट बन रहे हैं या राइट बन रहे हैं, और किस दिन वो रप्चर हो रहे हैं। बाकी इंडोमेट्रियोसिस जो लाइनिंग है वो कैसी है, यही सब देखा जाता है। इसमें पेन बिल्कुल भी नहीं होता है। 1 मिनट का ये अल्ट्रासाउंड टेस्ट होता है, TVS के ज़रिए होता है। ये आपको अपने डॉक्टर, आप जाइए डेली, वो जो आपकी फाइल पे आपको मेंशन करती हैं, फिर आप अपने डॉक्टर से उसको कंसल्ट करिए और उनसे पूछिए कि क्या मेरी रिपोर्ट सही है या नहीं सही है। तो वो बताएंगे कि हाँ जो ग्रोथ है, जो साइज़ हो रही है, जो mm जो मैंने बताया कि जो मेरा बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो मेरी वो थोड़ी, मेरी रिपोर्ट देखिए बहुत अच्छी भी नहीं थी और बहुत कोई बेकार भी नहीं थी, बट ओके ओके थी।
तो आप देख सकते हैं ऐसे ही फॉलिकुलर स्टडी होती है। बाकी फिर जो होगा, अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके सवाल होंगे, जवाब होंगे, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। फिर मिलूंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।